डॉक्टर साहब जब मैं सोता हूँ ना तो मेरे सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर साहब बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये गोली रात को सोने से पहले खा लेना। चेतन बोला कल से खाऊंगा, आज उनका फाइनल मैच है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 किलो की मेरी बहना है। कब से आवाज लगा रही हो, सुन क्यों नहीं रहा? अरे कुछ बोल तो सही। मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। चल ठीक है, लेकिन 8 बजे से पहले घर आ जाइयो। मुझे ना मेरे पति पर शक है, वो ना रोज किसी से छुप छुप कर मिलते हैं। सहेली बोली अच्छा तो अब तू क्या करेगी? औरत बोली कोई बात नहीं, कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। जानता है मेरे को मैं कौन हूँ? नहीं जानता भाई। मेरी मम्मी को जानता है तू? नहीं जानता भाई। मेरे बाप को जानता है तू? नहीं जानता भाई। तो यार जल्दी एक सिगरेट दे दे यार। मेरी आंखें आज भी उसे ढूंढती हैं। मेरी आंखें आज भी उसे ढूंढती हैं। जिसने मंदिर में से मेरी चप्पल चुराई थी। डॉक्टर साहब 3-4 दिन से ना शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आज मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा कि तुम फिर से जवान हो जाओगे। डॉक्टर साहब ऐसा मत करना, मेरी पेंशन लगने वाली है। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहां हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। जी आपको सारी चीजें स्कूल से ही लेनी पड़ेंगी, जैसे बुक्स, शूज, सॉक्स, यूनिफॉर्म एंड बेल्ट। पिता ने पूछा और एजुकेशन, तो टीचर ने हंस के जवाब दिया जी उसके लिए कोई बाहर आप अच्छी सी ट्यूशन देख लेना। हाँ जी मैम, आप ही ने बुलाया था एसी रिपेयर के लिए। हाँ जी, अभी मता कल आ। कल आऊं? ठीक है कल आऊंगा। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो मेरा नाम है, अभी मता कल आ।